तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम वोच्यम अणुपेहाओ भविय जनानंद जननीयो। हाँ, कार्तिकेय स्वामी के द्वारा लिखित ये बारह भावना का मंगलाचरण था जिसमें एक मिनट। इस मंगलाचरण की अभी हमने बात कही, बारह भावनाएं हैं, निरंतर प्रतिदिन वे बारह भावनाएं पाठ की जाती रही हैं हमारे यहाँ जैन समाज में। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, बच्चों बच्चों को याद है। इंडिया में जाकर के देखो तो 4 साल का बच्चा होता है, वो 4 साल का बच्चा वो तुरंत उसको याद कर, जब बोलना चालू करता है तब से बारह भावना याद कराने लग जाते हैं बच्चों को। छोटे छोटे से बच्चों को ये बारह भावनाएँ याद दिखाई देती है। तो इन्हीं बारह भावनाओं के क्रम में मैं इनके क्रम की भी चर्चा कर रहा था विगत दिनों से। अनित्य भावना सबसे पहली भावना है, माने पूरे जगत में सारे पदार्थ क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, नाशवान है। ये चर्चा अनित्य भावना के अंतर्गत की गई। 100 से ज़्यादा विद्वानों ने बारह भावनाएँ लिखी है, 100 से ज़्यादा लोगों ने, लेकिन सबसे पहली जो पंक्तियाँ मिलेगी किसी भी व्यक्ति की बारह भावना में, ये बुधरदास जी की बारह भावनाएं हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने दिगंबर जैन संप्रदाय में। सबसे पहली चर्चा अनित्य की करते हैं, ये मेन शब्द है अनित्य, 2 लाइनें उसके बारे में। फिर सेकंड भावना है अशरण, फिर है संसार, फिर है एकत्व, फिर है अन्यत्व, फिर है अशुचि, फिर आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म। ये बारह भावनाओं का क्रम है। मैं बहुत संक्षेप में आपको उसका स्वरूप बतलाते हुए फिर आगे बढ़ता हूँ। मेरे को यहाँ मैं चर्चा कर चुका हूँ 8 भावना के बारे में, 8 भावनाओं की चर्चा कर चुका हूँ मैं पिछले दिन तक। अभी 2 भावनाओं की चर्चा करूँगा आज और 2 की चर्चा करेंगे कल। तो इस तरह से ये पूरी होगी, 2 की आज और 2 की कल। तो अभी जो 8 पीछे चल चुकी है बस उनको मैं क्रम से जोड़ रहा हूँ। सो देखिए आप कैसे, सबसे पहले ये जीव अनित्य के चिंतन की क्या ज़रूरत है, इस जीव को अनित्यता समझाने के लिए। तो इस जीव की भावना ऐसी रहती है कि जो संयोग मुझे प्राप्त हुए हैं वो संयोग बने रहे, जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई है वो चीज़ बनी रहे, बस इसका नाम है इस जीव की मान्यता, अपेक्षा, लालच, अभिप्राय, इसका ऐसा खोटा चिंतन वो इसी प्रकार का रहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो है बस वो बना रहे। तो आचार्य ने कहा कि भैया नहीं रहता है, दुनिया में जो चीज़ होती है वो नष्ट होती है, प्राप्त होती है वो चली जाती है, दुनिया का स्वरूप ही इसी प्रकार का है, सब कुछ अनित्य है। सबसे पहले ये बात कही आचार्यों ने, फिर कहा अच्छा सब अनित्य है, देखो जो पैदा होता है वो मरता है, देखो गाड़ी बनती है खराब हो जाती है, देखो दुनिया की कोई चीज़ ले लो जो चीज़ बनेगी वो बिगड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई, हाँ सब अनित्य है बिल्कुल। लेकिन पंडित जी एक बात बताओ, नष्ट तो हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा कि उसको बनाए रखूँ, डॉक्टर की शरण में जा करके, मैकेनिक की शरण में जा करके, वकील की शरण में जा करके, कुछ ऐसी कोशिश करूँगा जिससे कि वो चीज़ बनी रहे। तो आचार्यों को दूसरी बात लिखनी पड़ी, भैया अनित्य तो थी ही अशरण भी है, ये दूसरी भावना। सेकंड नंबर पर मरते न बचावे कोई, दूसरा बचाने में भी समर्थ नहीं होगा, इसका नाम है अशरण। जब अशरण की बात कही गई तो इसके समझ में आ गई इसको कि हाँ अशरण है, ये बात इसके ख्याल में आ गई। जैसे ही इसको अशरण समझ में आ गई तो कहता है बात ठीक है, बचाने से नहीं बचेंगे, लेकिन जब तक है तब तक तो मैं इनमें से सुख भोग लूँ, क्या जब तक है तब तक तो सुख भोग लूँ मैं इनमें से, नहीं भोग सकता? भोग सकता है ना, क्यों नहीं भोग सकता, भोग ले, सुख लग रहा है ना तेरे को, कर ले, ले हो ले सुखी हो ले। नहीं हो पाएगा,
तीसरी भावना लिखी आचार्यों ने जिसका नाम था संसार, कि तू सुखी होने के नाम पर कुछ भी करता रहे लेकिन तू सुखी हो नहीं पाएगा क्योंकि जगत के किसी पदार्थ में सुख नहीं है, इसका नाम है संसार भाव। दाम बिना निर्धन दुखी जो चर्चा की, तृष्णावश धनवान कहूँ ना सुख संसार में, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी गई, सुख नहीं है कहीं भी। और तू यदि सुख मानेगा तो ऐसे कर्म बनेंगे जिसका फल तुझे भोगना पड़ेगा, भविष्य में और दुख उठाएगा तू। तो फिर ये कहता है कोई बात नहीं जी, सुख है तो है ठीक है, और सुख नहीं है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, मिलेगा तो ठीक है सुख और नहीं मिलेगा तो ठीक है, मुझे तो मिल रहा है, और दुख होगा तो होगा, देखी जाएगी, सब मिल बांट करके भोग लेंगे, फैमिली में बहुत यूनिटी है हमारे, सब लोग आपस में मिल बांट करके भोगते हैं, सब कर्म का उदय आएगा तो भोग लेंगे सब मिल बांट करके। तो फिर आचार्यों को चौथी भावना लिखनी पड़ी, एकत्व, आप अकेला उतरे हमारे अकेला, तो क्या सोच रहा है मिल बांट के भोग लेंगे, अकेले अकेले भोगना पड़ता है, तेरे ऊपर संकट आएगा तो फैमिली नहीं भोगेगी, तू ही भोगेगा। नहीं नहीं साहब, पहले हुआ था एक बार हमारे साथ ऐसा, संकट आ गया तो सब नहीं भोगा था, सब तकलीफ सबके ऊपर ही थी, नहीं थी, सबके अपना अपना कर्म का उदय था। एक व्यक्ति के हार्ट की प्रॉब्लम हुई, पिताजी हॉस्पिटलाइज हुए मान लीजिए, अब वे यदि हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है ना, सबकी भाग दौड़, सबका अपना अपना कर्म का उदय, जिसके जैसा कर्म का उदय होता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है, अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है, ये एकत्व भावना संदेश देती है। फिर कहता है कोई बात नहीं जी, सब स्वार्थी होंगे, अकेले अकेले भोगना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तब समझ में आ गई बात, है तो मेरे बेटा साथ नहीं देगा, नहीं देवे, है तो मेरा ना। तो आचार्यों को आगे पांचवी भावना लिखनी पड़ी, अन्यत्व, जहां देह अपनी नहीं तान अपना कोई, तो क्या मान रहा है, यही अपना नहीं है और तू तो इनको अपना मान रहा है, ये अन्यत्व भावना लिखी। फिर इसने कहा कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरी नहीं है, इतना सुंदर शरीर इतना संभाल के मेंटेन करके चलता हूं, आप कहते हो ये मेरा नहीं है। तो आचार्य ने अशुचि भावना लिखी छह नंबर, उसमें बतलाया शरीर का स्वरूप क्या है, अपवित्र है, अशुचि है, मलिन है, भीतर या सम जगत में भीतर से जैसा है पूरे जगत में और ना ही गिन गे, उसके अलावा दूसरा जगत में और कोई घृणा करने वाला पदार्थ नहीं, इतनी बातें कही अशुचि तक। अब फिर ये कहने लगा आगे, क्या कहने लगा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना अपवित्र हूं, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी इतनी मलिनता है। तो आचार्यों को फिर कहना पड़ा कि यार ये गलत ट्रैक पे जा रही है गाड़ी, ट्रैक बदलना पड़ेगा। उन्होंने ट्रैक बदल दिया, उन्होंने कहा ये जो अशुचिता की बात कही है, जो देह की अपवित्रता की बात कही है, जो शरीर की मलिनता की बात कही है, ये मलिनता तुम्हारी नहीं है, इसलिए दुखी मत हो, इतना अपवित्र गंदा, तुम्हारी मलिनता तो कुछ और है। बोले वो क्या है, बोले वो है आश्रम, सातवीं भावना, कर्मों की चर्चा की, तेरे राग द्वेष भाव, तेरे मोह राग द्वेष भाव, तेरे कषाय भाव, तेरे परिणाम, वो तेरे सब परिणाम ऐसे हैं जो सब परिणाम तेरे को कष्ट देने वाले दिखते हैं क्या, वो सारे के सारे परिणाम ऐसे हैं जो तेरे को पीड़ित करने वाले दिखते हैं। बोलो तो क्या करना है ऐसी स्थिति में, आश्रम है, आश्रम भावना आ गई सातवीं। जब सातवीं आश्रम भावना कही तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, अरे साहब अभी तक तो शरीर की मलिनता दिखती थी तो ना लेता था, साफ कर लेता था, साबुन शैंपू तब ऊपर से लगा लेता था तो शुद्ध हो जाता था, अब ये आपने आश्रमों की कौन सी मलिनता बता दी, ये तो धुलती भी नहीं है, इसका क्या उपाय है, वो तो क्या करूं मैं, कितना भी नहा लो, गंगा में नहा लो या यमुना में नहाओ, उसका तो कोई समाधान दिखता नहीं है मेरे को। जब ऐसा कहा तो फिर आचार्यों ने कहा कि देख, आश्रम भाव की अशुचिता को मिटाने का एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, बोले उस रास्ते को कहते हैं संवर। संवर भावना लिखी फिर आगे, क्या कौन सी भावना है, संवर आठवीं भावना, आते हुए कर्म रुक जावे उसका नाम है संवर, नए कर्म नहीं आवे उसका नाम है संवर। जब इतनी बातें समझा दी
तो उसको इतना सब समझ में आ गया, फिर नई बात कहने लगा एक और। क्या बात कहने लगा कि अरे साहब ये उपाय तो बता दिया आपने कि नए कर्म नहीं आएंगे, कर्म नहीं बंधेंगे, सब बातें समझ में आ रही है, ये सारी बातें मेरे गले उतर रही है, ठीक है बिल्कुल ठीक है ओके, लेकिन जो पहले के बांध लिए मैंने पाप उनका क्या होगा? प्रॉब्लम तो है ना, नए चोर नहीं आएंगे बाहर से, पहले से चोर बैठे हो तो अब क्या करें, उस प्रॉब्लम का क्या होगा? तो आचार्यों के द्वारा उसका समाधान करने के लिए निर्जरा भावना लिखनी पड़ी आगे, 9 नंबर की भावना है निर्जरा भावना, यहां से पढ़ता हूं आगे। 8 तक की चर्चा कल तक हो चुकी, आज 9वीं भावना है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम चोर, या विद बिन निक से नहीं बैठे पूरव चोर, बैठे पूरव चोर। क्या कहा? और भी आगे 2 लाइनें निर्जरा भावना के लिए, 4 लाइनें हैं इसमें। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। ज्ञान रूपी दीपक में, ज्ञान रूपी दीपक में तप तेल भर, तप रूपी तेल को भरकर, ज्ञान दीप ज्ञान का दीपक है, तप रूपी तेल है, तेल को भरकर जो दीपक जला, घर शोधे भ्रम छोड़, अपने घर को शोधना माने देखना, छानना, गहराई से छानबीन करके देखना, कहीं कोई छिपा तो नहीं है, कहीं कोई बैठा तो नहीं है। घर शोधे अपने घर को ढूंढो, दीपक जला करके रोशनी और प्रकाश, भाई ये 12 भावनाएं हैं, उस जमाने में लिखी गई थी जिस जमाने में लाइटें नहीं थी। अभी तो आप कोई है तो नहीं ये देखने के लिए, आप फटाफट लाइट जलाते हो, बोलो खटपट की कोई आवाज़ आने लगे घर में किसी दूसरे कमरे से जहाँ कोई नहीं था, तो आप क्या करोगे बोलो? रात को 12 बजे बराबर वाले कमरे से आवाज़ आ रही है, बराबर वाले रूम से, आप ही के मकान में, आप ही के घर में, और आप अकेले ही हो, घर में कोई नहीं था, बगल वाले से आवाज़ आ रही है, तो आप क्या करोगे? कौन है भाई है? फटाफट लाइट जलाओगे आप? मतलब लाइट इसलिए कि लाइट जलने से चोर पकड़ में आएगा या भागेगा, जो भी होगा, अंधेरे में नहीं दिखता। तो यहां भी इन्होंने अपने अंदर में लाइट जलाने की बात कही। कौन सी लाइट जलाने की बात कही अंदर में? कि अंदर में ज्ञान रूपी दीपक की लाइट जलाने की बात कही, ज्ञान का प्रकाश। जब अंदर में ज्ञान का प्रकाश होगा और तप का तेल जलेगा, तपस्या होगी, अंशनामोदर्य वृत्ति परिसंख्यान परित्याग विवित्त शय्यासन कायम क्लेशा वायम तपे प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम। 2 सूत्र पढ़े थे अभी अपन ने 2 घंटे पहले, सत्वार सूत्र 9वें अध्याय में। बोलो, ये कह रहे हैं घर शोधे भ्रम चोर, और या विद बिन निकसे नहीं, इस विधि के बिना, इस प्रक्रिया के बिना निकलते नहीं है। कौन नहीं निकलते? ये बैठे पूरब चोर, अंदर में बैठे हुए जो चोर हैं, पूर्व के चोर हैं, पहले के बंधे हुए कर्म हैं, वे इस विधि के बिना निकलते नहीं हैं। ये विधि बतला दिए, एक था संवर और एक है निर्जरा। संवर में नए नहीं आ रहे कर्म, संवर में जब हमने चोरों की बात सुनी थी ना, लुटेरे बहुत हैं, विषय चोर बहु फिरत है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, आश्रव भावना में ऐसी बात कही थी, 7वीं भावना में, साहब चारों तरफ चोर बहुत घूमते हैं, साहब बहुत हैं, दुनिया में बहुत चोर हैं भाई, सावधानी रखनी चाहिए, चारों तरफ चोर घूमते फिरते हैं, तो कहा क्या करें? बोले चौकीदार रख दो तो चोर नहीं आएंगे, सावधानी रहेगी, सतर्कता रहेगी, ये ठीक है। तो संवर है चौकीदार, चौकीदार खड़ा कर दिया आपने,
अब चौकीदार खड़ा कर दिया तो चौकीदार बाहर से आने वाले चोर को तो रोक सकता है, लेकिन जो दो दिन पहले ही तेरे घर में आकर के छिप गया था ऊपर छत पर, उसका क्या होगा? आश्रव ने कहा, चारों तरफ चोर घूम रहे हैं, सावधान रहना, कर्म रूपी लुटेरे तेरे उपयोग को, तेरे चित्त को लूटने के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं, सावधान रहना, चारों तरफ है इस तरह के लुटेरे। अच्छा, सावधान। तो क्या करें साहब, बहुत मुश्किल है साहब, मैं क्या करूं, बिल्कुल निगाह तो रख नहीं सकता। तो चौकीदार लगा दो। पर ये क्या है, अब नहीं आने देगा बाहर का, ये क्या संवर, पहले से बैठे हुए होगा, क्या करें? बोले उसके लिए अलग प्रोसेस है। ये प्रोसेस कब काम करती है? जब बाहर चौकीदार खड़ा हो, मतलब नए आना तो बंद हो और फिर पुराने निकले, मतलब संवर होगा तो निर्जरा होगी, बिना संवर के निर्जरा नहीं होती। क्या संवर होने पर निर्जरा होना कंपलसरी नहीं है, संवर के बाद में नेक्स्ट स्टेप है निर्जरा, या निर्जरा होने के लिए संवर जरूरी है। जब नए कर्म नहीं आए और पुराने बंधे हुए कर्म निकले, उसका नाम क्या हो गया? निर्जरा। बैठे पूरब चोर, या विद बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। पूरब मतलब पूर्व दिशा की तरफ, यहां भी पूरब का इतना महत्व, चोरों को भी पूरब का मतलब ईस्ट। सुधीर भाई, ईस्ट की बात है नहीं, पूर्व पहले की बात है, पास्ट की बात कर रहे हैं। पूर्व के बैठे हुए चोर निकसे माने निकलते नहीं है, या विद बिन इस विधि के बिना, जो प्रक्रिया ऊपर बतलाई है, ज्ञान चाहिए और तप चाहिए। देखो कितना सुमेल है यहाँ, ज्ञान और क्रिया का सुमेल बतला रहे हैं। ज्ञान दीप तप तेल भर कह करके दोनों का सुमेल बतला दिया। अकेले ज्ञान मार्ग से निर्जरा नहीं होगी, अकेले कोरे तप से निर्जरा नहीं होगी, तपसा निर्जरा चे, ये सूत्र तो दिया उमा स्वामी आचार्य ने, जो सुबह पढ़ा था अपन ने, तपसा निर्जरा चे ये कहा है, लेकिन तप का मतलब समझ लेना। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्त ते सहज टरे ते। करोड़ों जन्मों तक तपश्चरण किया जाए और ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? कुछ निर्जरा नहीं। जितनी होगी ना, करोड़ों जन्मों तक कंटिन्यू तपश्चरण कर रहा है, हर जन्म में तपस्या करता है, जितने कितने बहुत सारे गिर गए होंगे, इतने सारे कर्म ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान के माध्यम से, समझ के माध्यम से, विवेक और भावना से क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। क्या ऐसा है? इसलिए तप के साथ साथ में, तपस्या के साथ साथ में ज्ञान अनिवार्य है। बिना ज्ञान की क्रिया अधिक फलदायी नहीं होती। चलो आगे, अब क्रिया की बात कर रहे हैं, चरित्र की बात कर रहे हैं। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार, धार निर्जरा सार। क्या कह रहे हैं? पांच तो महाव्रतों का पालन, संचरण, संचरण का पालन करना, और समिति पंच प्रकार, और पांच प्रकार की समितियों का पालन। पांच समितियां तो समझ गए अब तो आप, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, सुबह पढ़ी थी अपन ने पांच। ईर्या समिति चार हाथ जमीन देख करके चलना, भाषा समिति इतमित प्रिय, ऐषणा समिति 46 दोष 32 अंतराय टाल करके आहार लेना, आदान निक्षेपण वस्तुओं को उठाने धरने में सावधानी, और प्रतिष्ठापन समिति मलमूत्र क्षेपण करना निर्जंतु स्थान देख करके, ये पांच समितियां कही थी। तो ये क्या कह रहे हैं? पांच महाव्रत और पांच समितियां। पांच महाव्रत तो जानते ही हैं, अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांच महाव्रत। तो पांच महाव्रत और पांच प्रकार की समितियां,
और प्रबल पंच इंद्रिय जो बहुत प्रबल है, ये पंच इंद्रिय जो बहुत प्रबल है कहते हैं विजय। पंच इंद्रियों की विजय ये अत्यंत प्रबल है। धार, इनको धारण करके निर्जरासार, निर्जरा प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरासार। जब तक प्रबल पंच इंद्रियों की प्राप्ति न होवे, जब तक प्रबल पंच इंद्रियों की विजय न होवे, तब तक निर्जरा नहीं होती। प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार, इनको धारण करने से सारभूत निर्जरा की प्राप्ति होती है। सार मतलब सारभूत, धार मतलब धारण करने से। समझ में आ गई निर्जरा क्या है, निर्जरा का स्वरूप किस तरह का है। देखो भाई, ये जो कर्म चोरों की निर्जरा की बात कर रहे हैं, सच में तो ये प्रकरण व्यावहारिक है, सच में तो ये बात व्यवहार अपेक्षा से कह रहे हैं। निश्चय से तो स्वरूप कुछ अलग ही प्रकार का होता है। निश्चय से यदि मैं बात कहूँ तो ये जीव कर्म की निर्जरा नहीं कर सकता। बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, नए लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि बात बहुत हाई लेवल की है। मतलब वो एक विशिष्ट लेवल पर चढ़ने के बाद ही व्यक्तियों को वो बात समझ में आती है। कर्म जड़ है, कर्म अचेतन है, हाँ, और दो द्रव्य कर्ता धर्ता नहीं है। हाँ, कर्म कुछ बिगाड़ते भी नहीं, कर्म कुछ सुधारते भी नहीं। सुधार बिगाड़ कर्मों से नहीं होता, कर्मों की वजह से नहीं होता। ये बातें ऐसी है कि एक बार हृदय से समझ में आ जाए तो आनंद झड़ता है अंदर से। कर्म में तेरी चलती नहीं है, कर्म परमाणु अपनी योग्यता से आते हैं, अपनी योग्यता से बंधते हैं, तेरे अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से वे अपनी योग्यता से झड़ते हैं। अच्छा, कर्म की निर्जरा में भी तू क्या करता है ये बता। जैसा मैंने निर्जरा करी, तू तो कर्म को देखता तक नहीं है, तू क्या निर्जरा करेगा। ये मैंने कर्म बांधे, ये तेरे को कर्म दिखते हैं जिनको तू बांधता है, दिखते भी नहीं है तो बांधेगा कैसे। हाँ, मेरे परिणामों में और कर्म में आपस में ऐसा कोरिलेशन है कि मेरे भाव जब होते हैं, मेरे विचार होते हैं, मेरा चिंतन चलता है, परिणाम जैसे भी होते हैं, उन परिणामों का निमित्त पाकर वे कर्म ऑटोमेटिकली खींचे चले आते हैं मेरी तरफ। समझ में आ रहा है क्या है प्रोसेस, क्या है कर्म बंधन की। मैंने कर्म नहीं बांधा, कोई मैं तो बहुत चाहता हूं नहीं बांधू, मैं नहीं बांधता कर्म। लो साहब नहीं बांध रहा, पढ़ी जी आज पक्का, आज शाम को कर्म नहीं बांधूंगा। ऐसे कैसे नहीं बांधेगा तू, मेरे बांधने से बनते ही नहीं है। जो भी भाव होंगे, अच्छे बुरे, किसी को बचाने के, किसी का सहयोग करने के, किसी की हेल्प करने के, एवरीथिंग, जो भी भाव होंगे, जो भी परिणाम होंगे, तो कहते उससे क्या होगा, उन परिणामों से, कि उन परिणामों से अपने आप कर्म आकर के चिपक जाते हैं बस। इसका नाम है बंधन। और निर्जरा के लिए क्या होता है, जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं, जब हम आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और अपने स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप में लीन होते हैं, तो कर्म अपने आप छूटते हैं, झड़ते हैं, वो कहलाती है निर्जरा। इस निर्जरा के वास्तविक स्वरूप को समझा रहे हैं सामने ध्यानत राय जी, जयचंद जी छावड़ा, सामने वाली पंक्तियाँ बिल्कुल 9 नंबर वाला छंद, पेज नंबर 300 पर। संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाय कर लोक शिखर ठहराए, लोक शिखर ठहराए। क्या कह रहे हैं, संवरमय है आत्मा, ये जो आत्मा है ये आत्मा संवरमय है। जब संवरमय है, उसमय हो जाता है जब आत्मा, जो आत्मा संवरमय हो जाता है, जिस आत्मा के जीवन में संवर चल रहा होता है, पूर्व के द्वारा किए हुए जो कर्म हैं वो झड़ जाए और अपने स्वरूप को पा करके ये जीव लोक शिखर ठहराए। तब इस जीव को अपने स्वरूप की जो प्राप्ति होती है, उस स्वरूप की प्राप्ति करता हुआ ये जीव
लोक शिखर, लोक के शिखर पर पहुंच जाता है। ये स्वरूप इस तरह का है। ये जिस लेवल तक की बात कर दी संवर और निर्जरा, आप लोगों को पता होना चाहिए संवर निर्जरा तत्व के अंतर्गत आते हैं मुनिराज, मोक्ष तत्व में आते हैं अरंत सिद्ध भगवान। अरंत सात तत्व है ना, उसमें अरहंत और सिद्ध भगवान ये मोक्ष तत्व में आते हैं और मुनिराज संवर निर्जरा तत्व में आते हैं। इसका मतलब ये 9 नंबर के छंद तक जो निर्जरा की चर्चा की गई है, यह निर्जरा की बात, इसका मतलब किसकी बात हुई है निर्जरा की बात, माने मुनिराजों की बात थी, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती की। अब श्रेणी चढ़ना चालू हुआ। जब श्रेणी चढ़ना चालू करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तो फिर चालू होता है लोक का चिंतन, ध्यान, अर्थ क्रिया संक्रांति, योग व्यंजन संक्रांति, ये जो चलता है लोक के स्वरूप का चिंतन, संस्थान विषय, ये जो धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के भेदों में ये सब स्वरूप के चिंतन की बात कही है। तो तुरंत उसके बाद में उन्होंने लोक भावना की बात कही, जिसमें लोक स्वरूप चिंतन की बात कही, लोक के स्वरूप के बारे में चिंतन। देखो लोक भावना में क्या कहते हैं, बस ये लोक भावना भी थोड़ा सा जटिल लग सकती है, कल की दोनों भावनाएं तो बहुत ही प्यारी हैं। मतलब कल जो दो भावनाएं ना, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना, उसमें बहुत ही मार्मिकी स्वरूप बतला दिया है। मतलब इतना प्यारा है वो दोनों का स्वरूप, तो मतलब मेरे को तो बहुत आनंदित आता है उन दोनों भावनाओं को पढ़ने में। लेकिन दोनों की चर्चा कल होगी, अभी लोक भावना की चर्चा कर रहे हैं। अभी क्या है, क्या कह रहे हैं, लोक कैसा है। 14 राज उतंग नब लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान, भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू, 14, ये 14 राजू क्या चीज है, ये राजू कौन है साहब, हमारे वहां तो दूध देने आता है सुबह, आपकी न्यूज़पेपर डालने आता होगा, ये कौन राजू है। राजू नाप है, राजू मेजर, क्षेत्र को नापने का मेजरमेंट, जगह को देखने का, ये एरिया कितना है, 1 इंच, 1 फिट, मीटर, किलोमीटर है, जो आप जिस भी उसमें बात करते हैं। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कोस, योजन, और योजन से भी बढ़कर जहाँ असंख्यात योजन होते हैं वो होता है 1 राजू। तो पूरे लोक की हाइट बतला दी है, 14 राजू का है ये लोक। लोक की रचना तो आपने देखी है, अपने यहाँ बनी है कहीं, अपनी उसको उस पर कांच पे बनी है, ग्लास पे, पीछे हॉल का जो गेट है उसके ग्लास पर जो आकार बना हुआ है, वो आकार क्या है, वो लोक का आकार है, और उसकी हाइट होती है 14 राजू की हाइट, इतना बड़ा है वो। 1 राजू के संदर्भ में शास्त्रकारों ने इस तरह का एग्जाम्पल दे करके चर्चा की है, 1 राजू इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि मैंने बहुत तरह के उदाहरण दिए हैं उसके लिए। कोई आलोकाकाश के अंदर छोड़ो कोई एक गोला लोहे का, या ऊपर ऊर्ध्व लोक से, तो या कोई देव रवाना हो, देव की चर्चा करो, उसको छोड़ो, वो एग्जांपल अलग था, दूसरा था, अभी देव की बात करो, कोई देव 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर चले जाए, या देवों की स्पीड बतलाता हूँ कितनी है। हम लोग भक्ति करते हैं कभी, तो भक्ति वगैरह के अंदर ताली बजाते हैं, पूजन करते समय, भक्ति करते समय, तो देवगति के जीवों की स्पीड कितनी होती है, जब हम ताली बजा रहे हैं और हमारे द्वारा ताली बजाते हुए हमारे साथ में बैठे कोई देव और ताली बजाई उसने और उठ करके चला गया, और कहाँ गया कि अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने के लिए, 3 लोक में 8,96,97,481
अकृत्रिम शौचालय कितने 8,56,00,000, मैं कितना 96 बोला था क्या मैंने, कितना बोला 8,56,97,481, इतने अकृत्रिम शौचालय हैं। कहाँ कहाँ हैं? उस स्वर्ग में है, नरक अधोलोक में है, मध्य लोक में है, नंदीश्वर द्वीप में है, सुमेरु पर्वत पर है, अकृत्रिम चैत्यालय पांचों मेरु 80 जिन धाम सब प्रतिभाजीव करूँ प्रणाम, कहाँ कहाँ है चैत्यालय सब फैले हुए हैं। वो देवगति का जीव, उसकी स्पीड की बात करते हैं, कितनी फास्ट है उसकी स्पीड। हमारे साथ ताली बजाई उसने एक और रवाना हुआ, पूरे 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालयों में दौड़कर वंदना करके आकर अब जब एक ताली से दोबारा ताली बजाएंगे तो दोबारा आपके साथ ताली बजा दे। ये एग्जांपल दिया, इतनी स्पीड है उसकी, कितना हो गया। अब समझ में आ रही है कि क्या है ये स्थिति, किस स्पीड वाला है वो देव। ऐसी स्पीड वाला देव भी माने अलोक आकाश की मर्यादा के संदर्भ में का ऐसा अनगिनत है क्षेत्र की मर्यादा, वो कोशिश करता रहे और दौड़ता रहे तो जिसका अंत न पावे अनंत काल में भी वो ऐसा है अनंत अलोक आकाश। उस अनंत अलोक आकाश के मध्य में सेंटर में ये 14 राजू की हाइट वाला, जो भी बहुत बड़ी हाइट है, असंख्यात योजन कहे हैं जिसके अंदर इतनी हाइट वाला ये लोक है, खड़ा हुआ उतंग। उतंग शब्द का मतलब खड़ा हुआ, नभ ऐसे आसमान में ऊपर ऐसे खड़ा हुआ। और लोक कैसा है, पुरुष संठान, पुरुषाकार आकृति है, माने हमारे दोनों पैरों को फैलाएं और अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें तो जो आकृति बन जाती है उस आकृति को कहा है लोक। क्या कहा? 14 राजु उतंग नभ लोक पुरुष संठान माने पुरुष की आकृति का, तामे माने उसमें, उस लोक में जीव अनादि ते, ये जीव अनादि काल से भ्रमत भ्रमत भ्रम रहा है, फिर रहा है, दुख उठा रहा है, भटक रहा है। कहा भ्रमत है बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के ये जीव भटक रहा है चारों लोग, चारों गतियों में, तीनों लोकों में, कभी कहाँ चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है, कभी यहाँ से मरता है, वहाँ चला गया, वहाँ से मरा, वहाँ चला गया, भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहीं संतुष्टि नहीं है इसको। 14 राजु उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव कब से भटक रहा है, बहुत लंबा समय हो गया। जिया कब तक घूमेगा संसार मा, चलो चलो नाचे तंदर वार मा। अनादि काल से घूम रहा है और परमे सुख को मान रहा है। तो उनको समझाते हुए इन्होंने यहाँ ये बहुत सरल शब्दों के अंदर, प्रेरणादायी शब्दों के अंतर्गत ये बात कही है कि भैया बिना ज्ञान के, बिना समझ के, समझ नहीं थी इसलिए, और समझ होती है तो फिर भ्रमण नहीं होता। देखो क्या होता है, कितना सरल है, भ्रमत है बिन ज्ञान, प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा। आपको मंदिर आना है, एड्रेस आपको पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, किसी ने आपको समझा दिया, आप समझ गए लेकिन ढंग से नहीं समझे, एक क्रॉसिंग पहले घूम गए, अब क्या कर रहे हो, भ्रमत हो, भ्रम रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो। ये क्यों भटक रहे हो कि बिन ज्ञान, ऐसा होता है ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति भटकता है, रास्ता नहीं मिलता है, कब तक भटकता रहेगा। अरे साहब 3 घंटे लग गए यही मंदिर के आसपास ही है, तो GPS काम में क्यों नहीं लिया, अरे उसी को तो लिया था, वही तो भटका रहा था क्या बोलो, होता है ना ऐसा। इसलिए कहते हैं मेरे को बहुत सारे लोग ये GPS भी उन्हीं के काम आता है जिनको थोड़ा बहुत पता हो, बिना ज्ञान के अकेले GPS के भरोसे भी 100% श्योर नहीं हो सकते आप, डाउटफुल ही रहेगा, जब तक पहुंच नहीं जाओ तब तक क्या पता कहां से कहां पहुंचा दे, वो क्या समझता है, कौन सा रूट पकड़ता है, किधर घुमाता है, और पास पास में घुमाता रहता है, वो मकान के बाहर से भी फिर आगे घुमा देता है, फिर आगे घुमाता है, इधर घूमते रहते मिलता ही नहीं, क्या करें। बिन ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भटकेगा।
अच्छा अच्छा एक घंटा घूमते रहे मंदिर के आसपास। बोलो आप, अभी 2 महीने पहले बता रहे वो आए मंदिर, यहीं आना था, और आने के बाद में, पास में आने के बाद में 1.5 घंटे तक भटकते रहे, घूमते रहे। क्यों भटके? बुद्धदास जी से पूछा नहीं उन्होंने। ये 200 साल पहले लिख गए बुद्धदास जी। ये क्या कह रहे हैं, तुम भ्रमोगे भैया बिना ज्ञान के, पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के चलो, पूरी समझ लेकर के चलो, एक एक चीज ढंग से समझ लो, क्योंकि बिना समझे करोगे तो नुकसान ही नुकसान है। कहते हैं अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। क्या एक कहावत चलती है हमारे, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। तो ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए, ज्ञान पूरा हो। ये लोक की जो चर्चाएं हैं, आकृति और स्वरूप आदि की चर्चा, ये श्रेणी चढ़ते समय भी लागू होती है, इसलिए यहाँ इन्होंने 10वें नंबर पर लोक भावना को रखा। देखिए इधर सामने की साइड इसी का मार्मिक स्वरूप बतलाते हैं पंडित जयचंद जी छापता साहब। बस ये 2 पंक्तियाँ और हैं जिनको अपन पढ़ के, जिनकी चर्चा करके आज की चर्चा को विराम देंगे। लोक स्वरूप विचारिके आत्म रूप निहारी। कितना गजब मार्मिक स्वरूप है, बोलो। लोक की चर्चा में अटकना नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं। लोक स्वरूप विचारिके आत्म रूप निहारी परमारथ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवारी, मिथ्या भाव निवारी। कितना सुंदर कह दिया, लोक के स्वरूप का विचार करके आत्म के रूप को निहारो, निज लोक को देखो, चित लोक को देखो, चैतन्य लोक को देखो। ये भी लोक है, ये भी एक अलग दुनिया है। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी, आत्मानुभवी भावलिंगी संत मुनिराज, वे क्या करते हैं? वे अपने लोक में विचरण करते हैं, वे बाहरी लोक में नहीं भटकते, वे दुनिया में नहीं भटकते, वे निज लोक में आते हैं, वे अपने स्वरूप में आते हैं। घूमते तो हैं लेकिन कहाँ, भटकते नहीं हैं, अपने में आ गए हैं। आत्म स्वरूप का विचार करके, चैतन्य स्वरूप के का विचार करके, ये असली लोक है। बाहरी लोक वो जड़ लोक है, और अपना निज लोक चैतन्य लोक ये असली लोक है। पीछे एक भावना थी संसार भावना, उसका अभाव करने की बात कही थी, और लोक भावना शिखर पर जाने की बात करते हैं। लोक स्वरूप का विचार करके अपने आत्मा के रूप को निहारो, इसका मतलब श्रेणी चढ़ते समय है, जब शुक्ल ध्यान आदि के भेदों में लोक के स्वरूप आदि के संदर्भ में चिंतन चलने लगा, उसको विचार करके भी अपने उपयोग की स्थिरता तो अपनी आत्मा में ही चाहिए। लोक चलता है ऑटोमेटिक है ये, माने ये क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई लोक के स्वरूप की चर्चा क्यों कर रहे हैं, लोक के स्वरूप को विचार करने की बात क्यों कर रहे हैं, लोक के स्वरूप को नहीं विचारे तभी अच्छा होता। आप क्यों लोक के स्वरूप को विचारने की बात कर रहे हो, परद्रव्य के चिंतन करने में क्या मिलेगा? अपने आप है, जब श्रेणी चढ़ते हैं तब भी अंदर में शुद्धोपयोग बराबर वर्त रहा है, उसके बावजूद भी ये लोक के स्वरूप का चिंतन चलता रहता है। तो उसको विचार करके जो विचारों में आ रहा है, निहारना है, देखना है, डूबना है, समा जाना है अपने ही स्वरूप में, आत्म रूप निहारी। और परमार्थ व्यवहार गुणी, परमार्थ से व्यवहार गुणी, व्यवहार को गुण कर मिथ्या भाव निवारी, मिथ्या भावों का निवारण करो, माने मिथ्या भावों को छोड़ना। ये क्या हुआ,
ये व्यवहार परमार्थ, ये तो परमार्थ सुधा ऊपर आत्म रूप निहारी, ये था परमार्थ। और व्यवहार को गुणना वो क्या है, मिथ्या भाव निवारी, मिथ्या भावों को छोड़ देना ये व्यवहार लोक स्वरूप था, और आत्म स्वरूप को निहारना ये निश्चय लोक था। और ये दोनों ही प्रकार के कार्य अपने लोक स्वरूप का विचार करके होता है। जिस तरह बाहर में व्यक्ति दुनिया को देखना चाहता है, दुनिया में रमण करने के पहले कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, देखने लायक क्या क्या है, उनके बारे में विचार चिंतन करता है अपने घर में बैठा हुआ, उसी तरह से ये भेद विज्ञानी जीव भी अपने चैतन्य लोक का विचार करते हैं कि अंदर में क्या क्या है। आत्मस्वरूप को निहारते हैं, निहारते हैं, देखते नहीं हैं। निहारने और देखने में फर्क है। देखना तो कहते हैं जस्ट सी, और निहारने को कहते हैं डीपली देखना। निहारने का मतलब देखते रहना, वो निहारना कहलाता है। देखना तो देखना है, और देखते रहना वो कहलाता है निहारना। तो अपने स्वरूप को निहारते रहो तो क्या दिखेगा, कि अपने स्वरूप को देखने से लोक भी दिख जाएगा। ये भी एक चमत्कारिक बात है, बड़ी मार्मिक बात है, कह करके पूरी करता हूँ मैं। माने देखो, दुनिया में कितनी चीज़ें हैं देखने की, अनगिनती चीज़ें हैं। आपने देखा आईफिल टावर? आईफिल टावर नहीं देखा आपने? पेरिस वाला मॉडल में देखा है? अच्छा, मालूम है, देखा नहीं। अच्छा, हम लोग गए थे, देख करके आए, बहुत चीज़ें हैं यार, तो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर उसका तीन लेवल है, तो थर्ड लेवल पर जाओ तो एक अलग ही उसका वो है। सेकंड लेवल से ही जब देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बस वगैरह ऐसे मक्खियों जैसे दिखते हैं, बहुत अच्छा है। और कोई अच्छी जगह बतलाओ ना घूमने के लिए। तो पंडित जी स्विट्जरलैंड चले जाओ, वो तो देखिए। और कोई बतलाओ, अलास्का का बनाओ प्रोग्राम, बहुत अच्छी जगह है। अच्छी जगह अलास्का तो गए होंगे, अलास्का के बारे में तो सुना होगा। हवाई का बना लो, वो भी यूएस का ही है, वहाँ का भी वीज़ा नहीं लगता होगा ना आपका, हवाई का भी? हवाई के लिए भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है ना कैनेडा वालों को? नहीं है। कितने सुंदर सुंदर है जगह लोक में। तो कहते हैं भैया, तू तेरी पूरी जिंदगी निकाल देगा तब भी दुनिया पूरी नहीं होगी, क्या क्या देखेगा। और देखता रहे पूरा होगा नहीं, और एक देखता है और दूसरा भूल जाता है पहले वाला। बोलो, मुझे याद नहीं है कि आज तक कितनी जगहों पर प्रवचन के लिए जा चुका, अनगिनती जगहों पर, कौन कौन से गांवों में, कौन कौन से शहरों में। ध्यान तक नहीं रहता, याद तक नहीं रहती कुछ भी, कितने कार्यक्रम, कितने आयोजन, कितने वर्ष हो गए, कुछ ध्यान ही नहीं रहता, कितने लोग में, कुछ ख्याल में नहीं रहती। तो ये इतना कहाँ तक देखता जाएगा। तो ये कहते हैं दुनिया को देखने से दुनिया देखने में नहीं आती। तो दुनिया देखने का उपाय क्या है, कि दुनिया की तरफ से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा को देखने से दुनिया दिखती है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? ये लोक भावना की चर्चा कर रहे हैं और आत्म रूप निहार की बात कर रहे हैं। जय चंजी छावड़ा साहब, बोलो क्या बारीक बात कहना चाह रहे हैं। लोक भावना की चर्चा कर रहे हो कि आत्म भावना की चर्चा कर रहे हो? एक आध तू दुनिया को देखेगा, दुनिया देख ही नहीं पाएगा कभी भी। और वैसे बताऊंगी तेरे को, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। खूब घूमा है, खूब भटका है, कण कण को देखा है तूने जी भर करके, फिर कह रहा है मैंने नहीं देखा। तो ये नहीं दिखता, सच में नहीं देख पाएगा, तृप्त नहीं हो पाएगा। उपाय क्या है? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक आत्मा की साधना करने से, एक आत्मा की आराधना करने से सब की आराधना हो जाती है। और सब की आराधना करने जाओ तो बोले सब जाए, सब चले जाता है।
इसलिए जो अपनी आत्मा को जानता है उसको लोकालोक जानने में आता है, और जो लोकालोक को जानने की इच्छा रखता है उसका लोकालोक जानने में तो नहीं आता है, लेकिन लोकालोक में भटक करके भोगने में जरूर आता है। तो यदि आप लोकालोक की भटकन को, अलोक छोड़िए, अलोक नहीं सिर्फ लोक, लोक की भटकन को, चतुर्गति की भटकन को, 84 लाख योनियों की भटकन को रोकना चाहते हैं, भ्रमत को, भ्रमण को रोकना चाहते हैं, तो दया जयचंद जी साहब कह रहे हैं एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है, अपनी आत्मा को जानो, लोक स्वरूप विचार करी, आत्म रूप निहारी, अपने रूप को निहारो, तब जाकर के आपका लोक को जानना या लोक भावना को भाना वो सार्थक हो पाएगा। सच में असली लोक भावना तो यही है कि हमारा उपयोग बाहरी लोक से हटकर अपने चैतन्य लोक में आ जाए, हम सभी का उपयोग निज चैतन्य लोक में आकर केंद्रित हो, इसी भावना से मैं बात को विराम देता हूँ। दो भावनाएँ आगे बची है, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना, इनकी चर्चा कल हम पूर्ण कर देंगे, यहाँ आज की चर्चा को विराम देते हैं। चलो महावीर भगवान की।